हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मीज किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चटपटी दही मसाला भिंडी की रेसिपी। आपने भिंडी मसाला की रेसिपी अलग अलग तरीके से ट्राई की होगी और खाई भी होगी, बट इस तरह से भिंडी मसाला आपने बनाया नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आपको इसमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और खाने में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, सूखा या ग्रेवी मसाला भी बना सकते हैं। इस बढ़िया सी रेसिपी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने यहाँ पे तेल गरम करके रखा है पैन में और इसमें मैंने मीडियम साइज़ के ऐसे छोटे टुकड़ों में भिंडी कट करके लिए हैं और इसे हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। भिंडी को ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। हम इसे थोड़ा सा ग्रीन कलर रहने तक ही फ्राई करना है। ज़्यादा हम लोग फ्राई करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा और भिंडी मसाला हमारा अच्छा नहीं दिखेगा। भिंडी फ्राई हो गई है, भिंडी को अलग से निकाल के रख देते हैं और मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए मैंने सेम पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल रखा है और उसमें मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है, साथ में आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और मैंने यहाँ पे सौंफ का भी यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। इन सब मसालों से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके लिया है, उसे भी यहाँ पे मैंने डाला है। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स ऑप्शनल हैं, जैसे कि अजवाइन और सौंफ। आपको अगर नहीं पसंद है तो ना डालें, पर इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। आप अगर भिंडी मसाला बना रहे हैं तो इसमें ये ज़रूर डालें। साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर भी लिया है। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मैं यहाँ पे दही का भी यूज़ करने वाली हूँ तो टमाटर कम ही लिया है, ताकि खट्टा ना लगे। साथ में अभी मैं मसाले भी डाल देती हूँ। मसालों में मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहे तो तीखा मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं, और आधा चम्मच गरम मसाला। मसालों की क्वांटिटी और पसंद के आप अनुसार अपने मसाले लें। मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसका तेल ना निकले। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मसाले भी पक गए हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा बाउल दही लिया है, दही को मैंने फेंट के लिया है और ये दही मैंने क्रीमी वाला दही लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया मसाला बनता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है कवर करके। मसालों को मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है दही के साथ, अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पैन को छोड़ देते हैं। दही में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और तेल भी छोड़ देंगे। तो आइए चेक करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब मैंने यहाँ पे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था, तो आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लेती हूँ। इसके साथ ही मसाले अच्छे से भून हो गए, अब यहाँ पे हम लोग भिंडी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी हरी की हरी है, मैंने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं किया था तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया है, ग्रीन का ग्रीन ही कलर है। मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से कोट कर लेते हैं। आपको अगर ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें दही और पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करें और ग्रेवी बना लें। अगर आपको सूखा पसंद है और आप टिफिन के लिए इसे लेना चाहते हैं तो आप इसमें सूखा ही बनाएं, इसमें ज़्यादा पानी ना ऐड करें, ऐसे ही कवर करके इसे पकाएं। मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाला है, कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें और मिक्स कर ले। अब इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कवर कर लेना है। अगर आपको दही और टमाटर की खटास बैलेंस करनी है तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मसाले में। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और भिंडी मसाला हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने यहाँ ये सूखा भिंडी मसाला बनाया है, ताकि ये टिफ़िन में भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ों और बच्चों को भी दे सकते हैं। आप अगर रेगुलर की भिंडी मसाला या सादी भिंडी की सब्जी खा के बोर हो गए तो इस तरह से आप भिंडी मसाला बनाकर देंगे तो सबको ज़रूर पसंद आएगा। अभी फाइनली गैस फ्लेम बंद कर देते हो और हरा धनिया डाल देते हैं। तो आइए इसे सर्व करते हैं। मैं इसे सर्विंग बाउल निकाल लेती हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई नई रेसिपी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।